I will not start till you stop talking. एड्रेनल ग्लैंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. ठीक है, जब आप मेडिसिन में जब प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इससे क्रॉनिकली इन्फेक्टेड हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं. अगर आप अभी इसकी फिजियोलॉजी को नहीं समझोगे तो आप इसके पैथोलॉजी को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हॉर्मोन्स, ये ग्लैंड क्या है, इससे कौन से हॉर्मोन्स आते हैं और किस तरीके से वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन कर रहे हैं, तभी आप इसके एब्नॉर्मेलिटीज को समझ पाएंगे पाओगे, नहीं तो हमेशा इसको रट्टा ही मारते रह जाओगे. ठीक है, सो एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज सुप्रा रीनल ग्लैंड. क्यों? क्योंकि ये किडनी के ऊपर है, बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है, दोनों किडनीज के ऊपर एक एक ग्लैंड पड़ा हुआ है. सो इट इज सुप्रा रीनल और एड रीनल. ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड दोनों साइड है, राइट एंड लेफ्ट. साइज में बहुत स्मॉल है, बट व्हेन वी सी ऑन अ सोनोग्राफी वी कैन ऑब्जर्व इट. सो इफ इट इज नॉट देयर, नॉट अलाउड. अगर इसकी हाइपोट्रॉफी हो रखी है तो सोनोग्राफी पे ये नहीं दिखेगा, अदरवाइज सोनोग्राफी में आप एड्रेनल ग्लैंड को विजुअलाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग अबाउट द एनाटॉमी, डेवलपमेंट, द फंक्शनल लेयर्स, जोन्स, हॉर्मोन्स, हाउ द हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड, what are the glucocorticoid normal levels, how is it transported and what is the mechanism of action of a steroid. aaj ke lecture ka aapka ye rahega format. theek hai, now introduction. so it is among the most important and vital endocrine organ. every hormone in the body is important, remember this. our body is being maintained by the hormones. theek hai, so every hormone is important, lekin adrenal gland jitna chhota hai उतने ही इसके जो हॉर्मोन्स है उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है. ठीक है, इट्स अ स्मॉल बायलेटरल येलोविश रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रेट्रोपेरिटोनियल? पेरिटोनियम के बिहाइंड ऑर्गन है ऑब्वियसली, क्योंकि एब्डोमेन के अंदर है, किडनी के ऊपर सिचुएटेड है, तो पेरिटोनियल के बिहाइंड आता है. व्हाट इज गिरोटा स्पेशिया? लाइज जस्ट अबव द किडनी इन गिरोटा स्पेशिया. हु कैन टेल मी व्हाट्स गिरोटा स्पेशिया? What is the time, beta? Okay. Open the door. क्या है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? गिरोटा स्पेशिया नहीं पढ़ा, तुम्हारे एक्सक्रीटरी हो गया उसमें, एनाटॉमी में हो गया, किडनी हो गया नहीं हुआ? ठीक है, तो किडनी को जो कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है, ठीक है, प्री रीनल एंड पोस्ट रीनल जो कनेक्टिव टिश्यूज को कवर करता है, दैट इज नोन एज द गिरोटा स्पेशिया. तो एड्रिनल ग्लैंड इसी गिरोटा फेशिया के अंदर है, मतलब पैरा पेरिटोनियम के बिहाइंड है एंड गिरोटा फेशिया से ये कवर्ड है. इट इज कवर्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू. फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी, राइट एड्रिनल इज ट्राइंगुलर, लेफ्ट इज क्रिसेंट. राइट एड्रिनल जो है राइट किडनी के ऊपर है, ट्राइंगुलर इन शेप है. लेफ्ट जो है लेफ्ट किडनी के मीडियल एंड अपर साइड पे है and it is moon shaped. crescent means moon shaped. theek hai, left adrenal is crescent shaped related to upper and medial part. size as you can see it is very small, 3 to 6 cm, width bhi 2 to 3 cm hai and weight is just 3 to 5 grams. itna chhota organ itna important ho sakta hai? you will study the importance of this organ. it is going to maintain everything in your body, your blood pressure, your blood sugar levels, everything is going to be maintained by the hormones which are secreted from this small gland. Again, this is the functional anatomy divided into, most of the organs are divided into cortex and medulla. Outer is the cortex, inner is the medulla. जो cortex है वो करीबन 80 to 90% of the gland बनाता है and ये cortisol hormone को secrete करता है. Cortisol is the basically physiological form of steroids. जो अपन steroid tablets बात करते हैं कि steroid दिया जाता है, steroid दिया जाता है. So cortisol is the physiological form of steroid. It is the steroid which our body is making. ठीक है, then medulla 10 to 20%, it secretes the catecholamines. What are the catecholamines? Can anyone tell me? Epinephrine or epinephrine. ठीक है, ये आपको दिखाया गया है कैसे cortex और medulla है, outer cortex, inner medulla. Cortex आगे तीन layers में divided है, zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis.
ये ग्लोमेरुलोजा फेसिकुलेटर रेटिकुलरिस क्यों है? इट इज अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइनिंग, ठीक है? जहां रेटिकुलम फॉर्मड है, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, एक नेट की तरह की चीज है, उसको हम रेटिकुलम बोल देते हैं। जहां फेसिकल्स हैं, मतलब जहां कॉलम्स हैं, उसको हम फेसिकुलस बोल देते हैं। जहां ग्लोमेरुलस की शेप है, ग्लोमेरुलस की शेप इफ यू नो इट इज यू शेप, ठीक है? किडनी में आपने पढ़ा है ग्लोमेरुलस, क्या उसका जो लूप ऑफ फेनले है वो यू शेप्ड होता है, तो जहां भी ग्लोमेरुलस की शेप टाइप कुछ होगा उसको हम ग्रैनुलोसा बोल देते हैं। सो दीज आर द थ्री लेयर्स, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड द रेटिकुलरिस, ठीक है? सो ऑब्वियसली जो ग्लोमेरुलोसा है इट इज हैविंग यू शेप्ड पोजिशन, वी नो वी हैव ऑलरेडी डन दिस। सी इन्वर्टेड यू शेप ग्लोमेरुलोसा में हमको दिख रहे हैं सेल्स, देन कैसे अरेंज है? इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड यू शेप, यहाँ पे फेसिकल्स बन रहे हैं फेसिकुलेटा में, एंड रेटिकुलरिस में देर इज अ रेटिकुलम ऑफ सेल्स, ठीक है? 1/5 इज ओनो ग्लोमेरुलोसा, 1/5 इज रेटिकुलरिस एंड 3/5 इज द फेसिकुलेटा, ठीक है? ये अगर हम स्टेन करते हैं, एक कट सेक्शन लेते हैं, तो इस तरीके का अंडर द माइक्रोस्कोप हमको नजर आती है डिफरेंट लेयर्स। ये तो कैप्स्यूल है, कनेक्टिव टिश्यू कैप्स्यूल होता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज दिस। देन फाइनली द थ्री लेयर्स, ग्लोमेरुलोसा लेयर, फेसिकुलेटा लेयर एंड द रेटिकुलरिस विच इज कंपैरेटिवली मोर इंटीग्रेटेड, ठीक है? एंड देन फाइनली द मेडुला पोर्शन। नाउ हॉर्मोन्स, ग्लोमेरुलोसा जो है वो सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डोस्टेरोन, ठीक है? मिनरलों से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि वो मिनरल्स को मैनेज कर रहा है, और मिनरल्स कौन से हैं हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा मैनेज होने हैं किडनी से या किसी से? सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है? तो एल्डोस्टेरोन का जो काम है वो है सोडियम पोटेशियम वाटर, इसको मैनेज करना। जहां सोडियम मैनेज हो रहा होगा वहीं पे ही आपका पानी भी मैनेज होगा बॉडी का, ठीक है? सो सोडियम पोटेशियम एंड वाटर होम्योस्टेसिस जो है दैट इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड बाय द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मेनली द एल्डोस्टेरोन एंड डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। फेसिकुलेटर जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकाल रहा है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जहां वर्ड आ गया, कॉर्टिकॉइड जहां वर्ड आ गया, दैट मीन्स इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंस इज कॉर्टिसोल, ठीक है? हॉर्मोन्स तो ये सारे ही स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है, लेकिन एग्जैक्टली स्टेरॉइड के एक्शन को मिमिक करने वाला इज कॉर्टिसोल, ठीक है? सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल और हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन। देन फाइनली द रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस में सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है? सेक्स हॉर्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सारे आ जाएंगे। अब एक चीज है कि ये सारे, इतना सा ग्लैंड, इतना सा कॉर्टेक्स, उसी की तीन लेयर्स में से इतने सारे हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन सबके फॉर्मेशन के लिए एक ही प्रिकर्सर होना चाहिए, ठीक है ना? इट इज नॉट पॉसिबल कि कुछ तो फैटी एसिड से बना रहे हो, कुछ प्रोटीन से बना रहे हो, कुछ कहां से बना रहे हो, इतना सा ऑर्गन, इट कैनॉट। सो द प्रिकर्सर ऑफ ऑल दीज हॉर्मोन्स इज वॉट? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? ये सारे स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हैं, ये कहां से बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल कहां से आ रहा है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो हम अपनी डाइट से, जो ब्लड में है, ब्लड से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लिया जाता है, उससे आगे ये सारे हॉर्मोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है? क्लियर है? सो प्लीज रिमेंबर दिस कि ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, रेटिकुलरिस से आपके सेक्स के जो हॉर्मोन्स हैं वो सारे हैं, ठीक है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहता है वो कॉर्टिसोल के ऊपर रहता है, तो इनको जो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिस सेल से सिक्रीट होते हैं वो लार्ज कोलमनर सेल्स है। नाउ प्लीज रिमेंबर कि जहां भी सिक्रीशंस हो रही हैं दो सेल्स वुड बी क्यूबॉइडर और कोलमनर, एंड मेनली कोलमनर सेल्स, ठीक है? तो कोलमनर सेल्स से हमेशा सिक्रीशंस होती हैं। स्क्वैमस सेल कहां आएंगे? फिल्ट्रेशन हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है, ठीक है? अगर कहीं बिल्कुल आउटर ओपनिंग्स है, आउटर एक्सपोजर है जहां चीजों का, वहां पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हो जाता है, ठीक है? जहां पे किसी चीज को एब्जॉर्ब करना है वहां पे कौन सी चीज आ जाती है? सिंपल स्क्वैमस या कॉलमनर भी आ जाएंगे। एंड अगर सरफेस एरिया बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा किसी सेल का? सिलिएटेड। तो जहां भी सरफेस एरिया बढ़ाना है
या किसी चीज को पुश बैक या पुश फॉरवर्ड करना है, वहां पे सीलिया दे देना है, ठीक है। क्लियर कट आपको पूरा जीआईटी इसी से, इसी के बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो कॉर्टिकल सेल्स है, लार्ज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है? देर आर हाँ, स्टेरॉयड हार्मोन तो बनाता है, देर इज नो राइबोसोम, ठीक है, क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होगा। अगर हमें कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करना है तो वहां पे राइबोसोम्स लगे हुए होंगे एंड दैट वुड बी अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है। सो हाई अमाउंट ऑफ लिपिड्स, ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल बनाने, कोलेस्ट्रॉल से सारे हार्मोन बनाने हैं तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमेशा ज्यादा रहेगी। ऑल हार्मोन्स आर स्टेरॉयड हार्मोन्स। सीपीपी रिंग, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज सीपीपी रिंग? सारे स्टेरॉइड्स में ये एक मेन रिंग है, साइक्लोपेंटो, आगे मैं भी भूल गई हूँ, लेट्स सी द होल थिंग, दिस इज साइक्लोपेंटो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग, प्लीज सीपीपी ये आप रीड कर लो और इसको रिमेम्बर कर लो, तुम्हारे लिए जरूरी है ये करना। तो कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन में, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे और बायोकेमिस्ट्री में ये आपको स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, तो साइक्लोपेंटो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेक्स हार्मोन का, ठीक है। कहां से बन रहा है? कोलेस्ट्रॉल, मतलब प्रिकर्सर कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो दिस स्लाइड इज शोइंग यू हाउ द बायोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। इफ यू कैन सी, अपन ने पहले ही बात करी, ग्लुकोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन आएगा विच इज बेसिकली अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। आपके जो रेटिकुलरिस और रेटिकुलरिस से आपके सेक्स स्टेरॉइड्स आएंगे एंड फेसिकुलेटर से आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आएंगे। सी, सबका स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नेनोलोन, देन फाइनली प्रोजेस्टेरॉन, डिहाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ये आपका एल्डोस्टेरॉन का फॉर्मेशन है। अगर प्रेग्नेनोलोन से अपन बना दे 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन तो वो बन जाएगा डीएचईए और डीएचईए फाइनली बन जाएगा टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। अगर हम प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन बना दें तो प्रोजेस्टेरॉन से आगे डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड फाइनली कॉर्टिसोल है, वही सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल से प्रेग्नेनोलोन, दिस इज अ बेसिक, ये आपको याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टेरॉइड हॉर्मोन का, क्लियर है। सेम डायग्राम, फ्लोचार्ट रिप्रेजेंटेशन है, कोलेस्ट्रॉल आया, प्रेग्नेनोलोन, 17 हाइड्रोक्सी, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन से आगे कॉर्टिसोल एंड एस्ट्राडियोल, ठीक है, और उधर से एल्डोस्टेरॉन। प्लाज्मा लेवल्स, प्लाज्मा लेवल्स के डायगोनल वेरिएशन है, किस टाइम पे कॉर्टिसोल का लेवल हाईएस्ट होता है? डू यू हैव एनी आइडिया? हम कुछ रिकमेंड करते हैं कि कभी भी आपको थायराइड प्रोफाइल कराना है या कॉर्टिसोल प्रोफाइल कराना है तो इस समय सैंपल दो। किस टाइम पे सैंपल देना होता है? मॉर्निंग, मॉर्निंग 4 to 5 इज एक्चुअली द टाइम वेन दीज हॉर्मोन्स आर एट द हाइएस्ट लेवल, ठीक है बेटा, प्लीज कंसेंट्रेट। तुम्हारे घर में जरूरत पड़ेगी ये बताने की कि क्यों 8 बजे तुम्हें सैंपल देना है, क्यों 4 बजे सैंपल देना है, ठीक है। कोई भी अगर हॉर्मोन का लेवल देखना है आपको तो आपको क्या करना चाहिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग सैंपल देना चाहिए। अब ऑब्वियसली 4 या 5 बजे आप सैंपल नहीं दे सकते, सो इट इज मोस्टली 8 o'clock का सैंपल, ठीक है, 7 to 8 o'clock में जो भी कलेक्शन सेंटर्स खुले हुए होते हैं वहां हॉर्मोन्स का सैंपल देना चाहिए। दूसरी बात, हॉर्मोन्स का लेवल हमेशा स्ट्रेस से वेरी करेगा ही करेगा, तो अगर पेशेंट उस समय स्ट्रेस में है, पहुंचने की जल्दी है या कुछ है, तो ऑब्वियसली उसका जो हॉर्मोन लेवल है वो डिस्टर्ब आएगा, वो नहीं आएगा जो उसका एक्चुअल है। सेकेंडली, पिन प्रिक की अपनी, जो नीडल की अपना एक स्ट्रेस होता है, नॉट एवरी पर्सन इज वेरी कंफर्टेबल बाय गिविंग अ सैंपल, लोगों को डर लगता है सैंपल देने से, वो अगेन हार्मोन लेवल को वेरी करेगा। रूटीन में वी डू नॉट डू दिस, पर अगर हमें कोई रिसर्च करनी है या कोई स्टडी करनी है तो वी शुड बी टेकिंग 3 samples ऑफ 15 to 20 minutes इंटरवल और मैक्सिमम 1/2 hour इंटरवल, मतलब 1.5 घंटे में आप 3 sample लो उसके, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, क्योंकि इस टाइम पीरियड में उसका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा, उसको नीडल के पिन प्रिक का टेंशन भी नहीं रहेगा क्योंकि आपने कैनुला लगा के छोड़ दिया है, उसमें से आपने पहले निकाला, फिर दोबारा सैंपल निकाला, फिर तीसरी बार सैंपल निकाला, तो स्ट्रेस फैक्टर को हमने कर दिया दूर।
अब ये तीनों सैंपल्स को अपन करेंगे मिक्स एंड देन वी विल गेट द रिकॉर्डिंग. सो रिसर्च पर्पसेस के लिए या व्हेन यू आर रियली वेरी मच इनटू दिस थिंग दैट इज दिस पर्सन रियली हैविंग अ लो कॉर्टिसोल और हाई कॉर्टिसोल और व्हाटएवर, देन यू नीड टू टेक द सैंपल इन दिस वे. रूटीन में वी जस्ट टेल द पेशेंट टू गिव अ सिंगल सैंपल, मोस्टली अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock के आसपास. उसी टाइम पे हम उसका फास्टिंग ब्लड शुगर भी ले लेते हैं, उसी टाइम पे हम उसका हॉर्मोनल टेस्ट भी साथ में ले लेते हैं. ठीक है, सो डायगोनल वेरिएशन इज देयर, हाईएस्ट लेवल इज एट अराउंड 4, 3:30, 4 बजे के टाइम पे हाईएस्ट लेवल होता है. उसके बाद इट फॉल्स डाउन, इवनिंग में कम रहता है. ट्रांसपोर्ट ज्यादातर हॉर्मोन्स यू नो दैट कि दे आर इन द बाउंड फॉर्म, दे आर नॉट इन द फ्री फॉर्म. एक्शन करने के लिए हॉर्मोन हैज टू बी इन द फ्री फॉर्म, ट्रांसपोर्ट होने के लिए और अपने रिसेप्टर तक पहुंचने के लिए इट हैज टू बी इन द बाउंड फॉर्म. ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस? बाउंड किससे होगा? किसी ना किसी प्रोटीन से, क्योंकि कैरी करने वाला ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ही है. तो किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से एक हॉर्मोन बाउंडेड रहेगा. 90% जो हॉर्मोन होते हैं वो ज्यादातर बाउंडेड फॉर्म में ही ब्लड में घूमते हैं. फ्री फॉर्म जो है वो सीधे जाके अपने रिसेप्टर पे जुड़ता है और उसका एक्शन होता है. ठीक है, ये बाउंड फॉर्म में रहना क्यों जरूरी है? उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रहना जरूरी है, उसको अपनी साइट पे पहुंचना कि किस साइट पे उसका रिसेप्टर प्रेजेंट है इसके लिए जरूरी है, और फ्री जो हॉर्मोन्स है उसके लेवल को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है. जैसे ही लेवल हाई या लो होगा वो बाउंड फॉर्म या फ्री फॉर्म में कन्वर्टेड होता रहेगा. रेगुलेशन इज डन बाय द बॉडी. ठीक है, सो कॉर्टिसोल बाउंड फॉर्म में है, इट इज बाय अ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज नोन एज ट्रांसकॉर्टिन एंड ऑल्सो टू अ स्मॉल अमाउंट बाय द एल्ब्यूमिन. फ्री फॉर्म जो है वो फिजियोलॉजिकल एक्शन, ये हर हॉर्मोन के लिए है, इट इज नॉट ओनली फॉर कॉर्टिसोल. फिजियोलॉजिकल एक्शन के लिए द हॉर्मोन हैज टू डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द प्रोटीन एंड join the receptor and then form the protein for the physiological action. Lekin transportation ke liye it has to be on the bound form. Please do not sleep in the class. Theek hai, transcortin ke normal plasma concentration sirf 3 milligram hai, iski binding capacity bahut achhi hai. Liver mein ye synthesize hota hai, to bahut obvious hai ki agar liver ka koi disorder hai, koi cirrhosis hai, koi liver fatty liver disease se shuru hoke fir cirrhosis hoke fir liver ki बिल्कुल फंक्शनिंग खत्म हो जाना, ये सारे में ही इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ट्रांसपोर्टिन एंड द कॉर्टिसोल लेवल. ठीक है, क्योंकि जिस प्रोटीन ने उसको जगह अपनी जगह पे लेके जाना है वो प्रोटीन ही नहीं है, तो फ्री फॉर्म अकेले में क्या करेगा, कहां जाएगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, इट इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, सो इट इज इंक्रीज बाय ईस्ट्रोजन, सो प्रेगनेंसी में ये इंक्रीज हो जाता है. इट इज डिक्रीज इन लिवर साइरोसिस, नेफ्रोसिस एंड इन मल्टीपल माइलोमा. मल्टीपल माइलोमा अंडरस्टैंड करते हैं आप, क्या होता है मल्टीपल माइलोमा में? इज इट अ कैंसरस कंडीशन और अ नॉन कैंसरस कंडीशन? इट इज अ कैंसरस कंडीशन. इसमें क्या होता है, कुछ एक जर्नल इंफॉर्मेशन, सॉरी हो भाई नहीं चश्मा मेरे पास नहीं. हो गया बस गिरी, मैं हूं मजे तुम ले लो. बस हो गया. सो इट्स गोइंग टू गेट रिकॉर्डेड इन द कैमरा ऑल्सो. Thank you so much. Okay, stop it. Let's continue. We have to finish the lecture. No, no, it's okay. ठीक है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट, प्लीज कीप क्वाइट, कीप क्वाइट. हो गया, ठीक है, एंटरटेनमेंट हो गया आज का, अब आगे कंटिन्यू करें स्टडीज अपनी. सो वी वर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल माइलोमा, कैंसरस कंडीशन है, प्रोटीन फॉर्मेशन कम हो जाती है. मोटा मोटा अपन ये बात कर लेंगे कि प्रोटीन फॉर्मेशन कम हो जाती है, प्लीज कीप क्वाइट, द
That is why the protein which is going to transport is not there. So again, agar transporting protein nahi hoga, to nothing is going to help. Theek hai? So that is the way things are taking place inside the body. Metabolism excretion, you need not bother much, but conjugated form mein ye urine mein excrete ho jata hai. Theek hai? Ye important hai. Ke plasma, please, ho gaya. Get normal. Adults ho, bachche nahi ho. Theek hai? You're voting for the country, for God's sake. Behave like that. You're not kids. Ke kuch aise choti si cheez ho gayi to usko leke hi karte raho. Control your behaviors. So plasma concentration cortisol ki 14. Theek hai? Ye kis type ka level hai? ये करीबन मैक्सिमम लेवल जो 4 बजे के बाद अपन बात कर रहे थे, ये उस टाइम का लेवल है. ठीक है? अब अगर 10 तक भी है तो बॉडी कैन फंक्शनल नॉर्मली, लेकिन अगर 9 से लेस हो जाता है तो बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं हो पाती है. ठीक है? सो कॉर्टिसोल लेवल हैज टू बी बिटवीन 10 to 14 फॉर द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली. फंक्शन नॉर्मली का मतलब क्या कहना चाहते हैं? ब्लड प्रेशर रेगुलराइज हो सके, ब्लड शुगर लेवल रेगुलराइज हो सके. दो ही चीजें हैं बॉडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेज करना. ऑब्वियसली वाटर बैलेंस, होम्योस्टेसिस, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर दो मेन चीजें जो कि आपको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है वो है शुगर को मेंटेन करा और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना. ये कॉर्टिसोल का काम है. तो अगर इसका लेवल 10 से 14 के बीच में है तो मेंटेन रहेगा, इससे लेस है तो इट इज नॉट गोइंग टू, the body is not going to function properly. We will have to support by steroids from outside. Theek hai? Humko steroids dene padenge. Please concentrate on the lecture. White sweatshirt. Mechanism of action, steroid hormones ka mechanism of action aap logo ko bata chuke hain, discuss ho chuka hai. Phir bhi beta maine na bahar nikal dena agar is tarah se mujhe awaaz aayi, and the whole this whole part will go out. ठीक है? प्रोटीन कैरियर, ऑब्वियसली जब तक ये ब्लड में रहेगा तब तक ये प्रोटीन बाउंड रहेगा, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता रहेगा. ठीक है? देन यू कैन सी देर आर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स एंड देन देर इज न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. देर इज ऑल्सो सेल सरफेस रिसेप्टर. इमीडिएट कोई एक्शन लेना है तो सेल जो सरफेस के ऊपर रिसेप्टर है उसमें जाके हॉर्मोन अटकेगा एंड उससे प्रोटीन फॉर्म होगा आफ्टर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. अदरवाइज साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ ये हार्मोन अटैच होगा अपने प्रोटीन से डिटैच होने के बाद. जब तक तो ब्लड में है तब तक इट इज अटैच टू द प्रोटीन. विच प्रोटीन? फॉर कॉर्टिसोल, ट्रांसकॉटन. ठीक है? तो यहां तक तो ये ट्रांसकॉटन से अटैच है. जब इसको अपने रिसेप्टर पे जाके जुड़ना है, इट इज गोइंग टू डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द ट्रांसकॉटन. It is going to attach itself to the cytoplasmic or the nuclear receptor. चाहे ये cytoplasmic receptor से attach हो, चाहे nuclear receptor से attach हो, action क्या होगा? DNA से transcription होके mRNA बनेगा, mRNA से translation होके new protein बनेगा जिसकी packaging endoplasmic reticulum करेगा और finally ये जो new protein है ये effector organ पे जाके अपना action करेगा. ठीक है? सारे steroid hormones का यही mechanism of action है. Especially adrenal gene. अब इसकी regulation, ठीक है? What we have talked about, कैसे transportation हो रही है with the help of proteins, mechanism of action कैसे हो रहा है, transportation protein से हट, transporter protein से हट के cytoplasmic and nuclear receptor पे act करके protein form हो रहा है. Third is regulation. Regulation में याद रखो कि जो hypothalamus है वो भगवान की तरह है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो गुरु की तरह है, और जो भी इफेक्टर ऑर्गन है चाहे वो एड्रेनल है चाहे किडनी है चाहे जो भी है वो आपके भक्तों की तरह है. ठीक है? तो कंट्रोल कौन कर रहा है? भगवान. आगे मैनेज कौन कर रहा है? गुरु. तुम्हारे तक इंफॉर्मेशन कौन देता है? गुरु, है ना? लेकिन गुरु खुद किसके कंट्रोल में है? स्पिरिचुअल भगवान के गुरु. ठीक है? एंड देन फाइनली जो भक्त है उससे आपके जो भी एक्शंस है वो क्रिएट होते हैं. तो हाइपोथैलेमस जो है वो आपके कंट्रोलिंग ऑर्गन है, उससे रिलीज होता है कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच. सीआरएच जो है
वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, ACTH, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ACTH फिर आगे एड्रेनल पे एक्ट करेगा और एड्रेनल से रिलीज होगा कॉर्टिसोल। तो अगर बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल लो है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इफ यू रिमेंबर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जब कोई लेवल ब्लड में कम हो तो इंफॉर्मेशन पिट्यूटरी को भेजनी है कि इसको बढ़ाओ, जब कोई बढ़ा हुआ हो तो इंफॉर्मेशन भेजनी है कि इसको कम करो। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, कम को और कम करो, बढ़ाने को और बढ़ाओ, ठीक है। हॉर्मोन सारे ही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं, एक को छोड़ के, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है, चाहे वो मिल्क की इंजेक्शन करवानी हो और चाहे वो यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाना हो, उसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। बाकी ये सारे हॉर्मोन्स नेगेटिव फीडबैक में, अगर कॉर्टिसोल का लेवल ब्लड में लो हुआ है, इंफॉर्मेशन जो उसको डिटेक्ट करेगा वो करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भेजेगा इंफॉर्मेशन टू द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी काम करेगा कि वो ACTH को बढ़ा देगा, ACTH बढ़ेगा तो वो एड्रेनल पे एक्ट करेगा, एड्रेनल कॉर्टिसोल को बढ़ा देगा, ठीक है, क्लियर है। अगर बाय चांस कॉर्टिसोल एड्रेनल काम नहीं कर रहा, कॉर्टिसोल को नहीं बढ़ा पा रहा, एड्रेनल श्रंक हो गया है, कोई एक कंडीशन आप मुझे बता सकते हैं जिसमें एड्रेनल काम नहीं करता है, इट गेट्स श्रंक? हाइपर तो यू कैन ऑलवेज से देयर इज एड्रेनल ट्यूमर, यस। एडिसन्स का कोई एक कॉज, एडिसन्स इज हाइपोकॉर्टिसोल, है ना। एडिसन का एक, वैसे तो इडियोपैथिक होता है लेकिन एक डिजीज है जो इंडिया में कॉमन है जिससे ही रिलेटेड है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो, बेटे प्लीज सिट डाउन, थैंक यू। ट्यूबरक्लोसिस से जो ATT दी जाती है वो एड्रेनल सप्रेशन कर देती है। सो इट हैज टू बी सीन कि अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म ATT पे है तो उसके एड्रेनल, उसके कॉर्टिसोल लेवल्स को हमको देखना चाहिए, बिकॉज इट कैन हैपन दैट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ATT से एड्रेनल जो है वो श्रंक हो गया है और वो काम नहीं कर रहा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन तो जाती जाएगी कि कॉर्टिसोल लेवल लो है, पिट्यूटरी क्या करेगी, ACTH को बढ़ाती जाएगी, लेकिन एड्रेनल तो काम नहीं कर पा रहा तो कॉर्टिसोल नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे पेशेंट में क्या होगा, लो कॉर्टिसोल लेस देन 9, है ना, अपन ने बात करी थी 10-14 इज द नॉर्मल, लेस देन 9 विल बी द कॉर्टिसोल, बट ACTH विल बी वेरी हाई, ठीक है। और उससे क्या होगा, ACTH राइज होने के कारण जो बाकी प्रॉब्लम्स है, स्किन पिगमेंटेशन, थिनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड ऑल, ये सब एक्शन होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन कॉमनली हमको प्रैक्टिस में दिखती हैं। सो दिस इज अ रेगुलेशन, रेगुलेशन इज कॉर्टिकोएड्रेनल, सो थ्रू द हाइपोथैलेमस, देन द इंटीरियर पिट्यूटरी एंड फाइनली द एड्रेनल। ये बताया हुआ है कैसे है, HH पोर्टल सिस्टम क्या है, हाइपोथैलेमस से इंफॉर्मेशन गई एंटीरियर पिट्यूटरी को, हाइपोफिशियल वेन्स के थ्रू। यू नीड नॉट स्टडी इट राइट हियर बिकॉज यू आर गोइंग टू डू इट इन योर एनाटॉमी थिंग्स, ठीक है। HH पोर्टल सिस्टम आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे, कहां से आ रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कौन सी लेयर से, फेसिकुलेटा से। ग्लोमेरुलर से क्या आ रहा है, मेंडेलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन, ठीक है। फेसिकुलेटा से क्या आ रहा है, कॉर्टिसोल। एंड रेटिकुलरिस से क्या आ रहा है, सेक्स्टेरॉइड। तो बेसिकली अब हम कंसंट्रेट करेंगे अपनी मिडल लेयर सोना फेसिकुलेटा, जिससे हमारे पास कॉर्टिसोल आ रहा है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से हमें क्या क्या पढ़ना है, हमने इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन पढ़ने हैं, फार्मेलॉजिकल पढ़ने हैं, स्ट्रेस के इफेक्ट को पढ़ना है, कशिंग्स एंड एडिसन को पढ़ना है। बहुत अच्छे से देखना बेटा ये, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन जर्नल ऑल्सो, बिकॉज एज यू आर लिविंग इन टूडेज वर्ल्ड द स्ट्रेस लेवल्स आर इंक्रीजिंग। स्ट्रेस लेवल डज नॉट मीन जस्ट फिजिकल स्ट्रेस, इट मीन्स मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो, ठीक है, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस। तो किस तरीके से ये कॉर्टिसोल मैनेज हो रहा है और क्या करता है, अब एक चीज बहुत अच्छे से समझो, वी विल नॉट बी कंसंट्रेटिंग ऑन द स्लाइड, विल टॉक अबाउट इट लेटर। जब भी बॉडी स्ट्रेस में आती है, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस है, चाहे मेंटल स्ट्रेस है, चाहे फिजिकल स्ट्रेस है, क्या चीज मेंटेन करने की जरूरत है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में क्या मेंटेन करेंगे, दो चीजें बोली थी मैंने, दो चीजें मेन, ब्लड शुगर लेवल्स एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है।
ना तो ब्लड प्रेशर उस समय गिरना चाहिए ना ब्लड शुगर लेवल गिरना चाहिए, ताकि सारे टिश्यूज को नॉर्मली सब कुछ जो उसका रिक्वायरमेंट है वो मिलता जाए। ठीक है, अब कैसे कैसे मिलेगा? हमको क्या करना है कि ब्लड में चीजों को बढ़ाना है, उनकी स्टोरेज को कम करना है, तभी स्ट्रेस को डील कर पाएंगे। ठीक है, समझ आए? हमें इजी यूटिलिटी देनी है बॉडी को, हमको जो इजीली यूटिलाइजेबल चीज है वो देनी है। ऐसे नहीं कि ग्लाइकोजन स्टोर्ड पड़ी हुई है और फिर वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो और फिर उसका ग्लूकोज बने और फिर वो यूज हो। दिस प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू डील विद द स्ट्रेस, इमीडिएट स्ट्रेस को डील नहीं होगा। सो व्हाट, गिव इट रेडी थिंग। सो व्हाट इज अ रेडी थिंग? रेडी थिंग इज ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या एक्शन आएगा? ग्लूकोज बढ़ेगा। तो ग्लूकोज बढ़ाने के लिए क्या करना है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज को बनाना इज गोइंग टू इंक्रीज, डिक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन नहीं बनाना उस समय जरूरत नहीं है, इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोजन ऑलरेडी बना हुआ है उसको ब्रेक डाउन करना है। तीनों से क्या होगा? ब्लड शुगर जो है ब्लड में, शुगर लेवल जो ब्लड में है, ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आई? कैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी ये काम कर रहा है, ये रेडी ग्लूकोज दे रहा है स्ट्रेस की सिचुएशन को डील करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो। ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म, अगेन क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। क्या फैट को स्टोर करने की जरूरत है? नो, वी डू नॉट नीड इट। सो व्हाट इज इट गोइंग टू डू? लाइपोलाइसिस। ठीक है, लाइपोजेनेसिस नहीं होने देगा। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज को फॉर्म करना, लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक डाउन करना। तो लाइसिस करेगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड फॉर इजी यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। इट विल नॉट लेट फैट बी डिपॉजिटेड एंड इट विल लीड टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट वेयर एवर इट इज नीडेड। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फैट को यहां स्टोर करना है। फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा, लाइपोलाइसिस करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करेगा। सिमिलर थिंग ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन्स को बनाने की जरूरत नहीं है, वो बाद में देखेंगे, अभी बॉडी स्ट्रेस में है, गिव इट ग्लूकोज। सो कैटाबॉलिक स्टेट, एनाबॉलिक स्टेट नहीं होगी। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? प्रोटीन को बना रहे हैं। कैटाबॉलिक का मतलब होता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन फॉर इजी अवेलेबिलिटी टू बी यूज्ड एज अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है इसमें? यहां पे जो कॉर्टिसोल है वो अपना मिंडलोकॉर्टिकॉइड के साथ मिलके काम करता है। मिंडलोकॉर्टिकॉइड कौन सा? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा था? अपन ने कहा इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? सोडियम पोटेशियम वाटर बैलेंस। ठीक है, अब मिंडलोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा? इट विल लीड टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। सोडियम को अंदर रखो, पानी को अंदर रखो। अदरवाइज ये जो कॉर्टिसोल है ना, ये क्या करता है कि पानी को बाहर निकालो, लेकिन इनका बैलेंस जब ये लेवल में हाई हो, मतलब लो हो जाता है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड टेक्स ओवर, इट विल ट्राई टू रिटेन द वाटर। सो वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाती है अगर कॉर्टिसोल लेवल्स लो हो। ठीक है, मतलब वाटर, एक जस्ट एक बात ये समझो कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड के साथ में मिलके काम करेगा। वैसे इनके एक्शन ऑपोजिट है, टू मेंटेन द वॉटर बैलेंस, लेकिन यहां पे इट इज एक्टिंग अलोंग विद इट, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इट। सो वॉटर इज गोइंग टू बी रिटेन्ड, वॉटर इज गोइंग टू बी रिटेन्ड। तो अगर लो कॉर्टिसोल कंडीशन है तो वॉटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, सोडियम एंड वॉटर विल रिमेन इन साइड द बॉडी। ठीक है, देन ऑन वेरियस ऑर्गन सिस्टम, ये तो अपन पढ़ लेंगे। एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट, ये तो हम सबको पता है कि स्टेरॉइड्स को इन्फ्लेमेशन में एंड एलर्जिक कंडीशंस में दिया जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे तो क्या करेगा? जितने इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, कौन से हैं बेटा इन्फ्लेमेटरी सेल्स? इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स ही तो हैं, WBCs, इनको ये कम करेगा। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करेगा, इसी तरीके से एंटी एलर्जिक एक्शन रखेगा। अब इसको समझो आगे, मेटाबॉलिक एक्शन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एंटी इंसुलिन इफेक्ट लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। अपन ने बात क्या करी? ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना है बॉडी में, उसको क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट।
ऑब्वियसली इट इज एंटी इंसुलिन स्टेट, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा है, जो ब्लड के अंदर के ग्लूकोज का लेवल है उसको वो कम कर रहा है, ठीक है. बेसिकली प्रोवाइड फ्यूल मॉलिक्यूल्स इन सर्कुलेशन. ऑब्वियसली आप स्ट्रेस में हैं, आप चाहे भाग रहे हैं, चाहे आप इमोशनल स्ट्रेस में हैं, चाहे आप मेंटल स्ट्रेस में, जो भी है, आपको उस समय फ्यूल चाहिए. तो ये आपको फ्यूल दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. टू मेंटेन ओवरनाइट मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली रात को आप सो रहे हैं या जैसे भी है, उस समय ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका उसमें रोल है. यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द पेरिफेरल टिश्यू को ये डिक्रीज करेगा. ऑब्वियसली दिस वांट्स के जो ग्लूकोज है वो ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन्स के लिए रहे, पेरिफेरल टिश्यूज की तरफ को अभी कोई ध्यान नहीं है. तो मतलब बेसिकली एक ही चीज याद रखनी है कि स्ट्रेस जो है, जो भी बॉडी में स्ट्रेस होगा, वो रेडी मॉलिक्यूल्स आपको देने के लिए बॉडी उस समय रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है. इट इज नॉट गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज हैपनिंग टू द बॉडी एज अ होल, वेदर कोई एक्सट्रीमिटीज तुम्हारी वीक हो रही हैं, या तुम्हारी फैट स्टोरेज कम हो रही है, या तुम्हारा जो प्रोटीन का एनाबॉलिज्म है बिल्कुल खत्म हो गया है, मसल्स तुम्हारी वीक हो रही हैं, इस सब की तरफ वो ध्यान नहीं देगा. वो सिर्फ इस चीज पे ध्यान देगा कि बॉडी स्ट्रेस में है, मुझे इसको ग्लूकोज देना है. बोन से कैल्शियम को निकालेगा, ऑस्टियोपोरोसिस करेगा, ताकि कैल्शियम रेडिली ब्लड में अवेलेबल है यूज के लिए, ठीक है. कहां से आएगा वो? ऑब्वियसली डाइट से तो आएगा ही, लेकिन बाकी कहां से आएगा? बोन्स में स्टोर्ड है. बोन्स से स्टोरेज को निकालेगा, वो कैल्शियम को निकाल के ब्लड में लेके आएगा. तो बोन्स जो है वो वीक होती जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है. ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी कॉमन. सो व्हाई? बिकॉज इट नीड्स के रेडी सप्लाई के लिए मैं चीजें देता रहूं. क्लियर है? फैट मेटाबॉलिज्म, लाइपोलिटिक एक्शन अपन ने बात करी ली. फैट की स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो. एंड रीडिस्ट्रीब्यूट में समझ आता है आपको? हाँ, मतलब एक्सट्रीमिटीज में कम होना, फैट अब्डोमिनल में ज्यादा होना, वो लेमन ऑन स्टिक अपेरेंस हम पढ़ेंगे इसको बाद में, कशिंग्स में पढ़ेंगे क्यों हो जाता है लेमन ऑन स्टिक. वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट के कारण होता है कि बेली फैट जो है प्रोट्रूडिंग बेली हो जाता है, लेकिन एक्सट्रीमिटीज जो हो जाती है वो बिल्कुल थिन हो जाती है, ठीक है. सो परमिसिव रोल इन लाइपोलाइसिस. परमिसिव रोल का मतलब क्या होता है? दूसरे हॉर्मोन्स को भी परमिशन देना कि तुम ये काम करो. ए, मैं तो खुद कर ही रहा हूं, तुम भी करो. सो इट इज अ परमिशन टू द अदर हॉर्मोन्स. जो भी हॉर्मोन्स लाइपोलाइसिस कर रहे हैं वो इसमें उनके एक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है. इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ लाइपोलाइसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस इनहिबिटेड बाय द लिवर, लाइपोजेनिक इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट. प्रोटीन में कैटाबॉलिक इफेक्ट है. कैटाबॉलिक में अगेन, कैटाबॉलिक का मतलब क्या है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करो, इम्यूनो एसिड बनाओ, ग्लूकोज बनाओ. एंटी एनाबॉलिक, एनाबॉलिज्म नहीं करने देगा, प्रोटीन नए प्रोटीन्स को फॉर्म नहीं होने देगा. इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, ये हम और पढ़ेंगे इसको, जब हम एल्डोस्टेरोन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ले बस इतना समझो कि दिस इज एक्टिंग अलॉन्ग विद द मिनरोकॉर्टिकॉइड्स इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस. और अगर इसका इनसफिशियंसी हो जाए तो वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, क्योंकि मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स विल टेक ओवर. वो कह रहा है कॉर्टिसोल तो अपना काम कर नहीं रहा, मुझे अपना काम करना है. पास में तो है, वहीं तो बैठे हैं, वो नहीं कर पा रहा, मुझे करना है. तो एक्सेस ऑफ सोडियम एंड एक्सेस ऑफ वाटर को वो रिटेन रखेगा. तो अगर एड्रिनल इनसफिशियंसी होगी तो वाटर इंटॉक्सिकेशन मोर देन रिक्वायर्ड, बॉडी वाटर विल स्टे इनसाइड द बॉडी. परमिसिव एक्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द एक्शन ऑफ ग्लूकोगन एंड कैटेकोलामीन फॉर कैलोरीजेनिक एक्शन. अगेन लाइपोलिटिक या ग्लाइकोजेनोलाइटिक एक्शन ऑफ कैटेकोलामीन एंड फॉर प्रेशर रिस्पॉन्स. प्रेशर रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना एंड ब्रोंकोडायलेटेशन करना. इफेक्ट ऑन मसल्स, स्केलेटन मसल्स में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर ही एक्टिविटी को बढ़ा देगा. कार्डियक में एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर की एक्टिविटी को बढ़ा देगा. यू विल बी स्टडिंग इट व्हेन यू आर स्टडिंग द सीवीएस, यहाँ पढ़ाई दिया होगा आपको. सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को ये बढ़ाएगा. मसल मास को ये डिक्रीज करेगा. अपन ने ये बात करी ही है कि कैटाबॉलिक इफेक्ट है. तो कैटाबॉलिक इफेक्ट का मतलब यही है कि मसल मास जो है वो कम होता जाएगा. तो उससे क्या होगा? जो आपकी एक्सट्रीमिटीज है वो थिनर होती जाएंगी. बाकी जो सेंट्रल मसल्स है उनको तो क्या करेगा ये, लेकिन जो आपकी एक्सट्रीमिटीज की मसल्स हैं वो वीक एंड थिन होती जाएंगी, ठीक है. इफेक्ट ऑन बोन्स, अगेन वही मैंने बात करी है, कैल्शियम को ब्लड में बढ़ा दो तो बोन्स की रिजॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देगा. न्यू बोन फॉर्मेशन नहीं होने देगा.
जो ऑलरेडी बोन्स है उनमें ये ऑस्टियोपोरोसिस कर देगा. सो इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ द बोन्स. ठीक है, ऑस्टियोजेनेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन, इनहिबिशन ऑफ बोन फॉर्मेशन, इनहिबिटिंग द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, एपोप्टोसिस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोपोरोसिस. अगेन कनेक्टिव टिश्यू, जरूरत ही नहीं, इट डज नॉट नीड टू थिंक अबाउट वेदर द स्किन एंड द कॉलेजन और ये सब नॉर्मल है या नहीं है. उसको क्या बेसिस है? उसको सिर्फ ये है कि भाई ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट होना चाहिए, ब्रेन यूज कर ले, हार्ट यूज कर ले, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए, ब्लड शुगर प्रॉपर होना चाहिए. तो एक्सट्रीमिटीज को से कोई लेना देना नहीं. थिन स्किन जो है वो बिल्कुल थिन हो जाएगी, पेपर थिन स्किन हो जाती है, कॉलेजन सिंथेसिस बिल्कुल कम हो जाती है, कैपिलरीज थिन हो जाती हैं. कैपिलरीज थिन हो जाएंगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पीटीकेल हेमरेजेस, छोटी छोटी रेड हेमरेजेस ऑल ओवर द बॉडी आपको मिल जाएंगी. ठीक है, सो पीटीकेल हेमरेजेस टेक प्लेस. इफेक्ट ऑन वैस्कुलर सिस्टम, सस्टेन द मायोकार्डियल. हमने क्या कहा? ब्रेन काम करती रहे, दिल काम करता रहे, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं. तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी को ये मेंटेन्ड रखेगा. इट विल इंक्रीज वेसोप्रेसर इफेक्ट है, इट विल इंक्रीज एंड एनहांस द इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामीन एंड एंजियोटेंसिन 2. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? यस द लास्ट गर्ल, क्या बात कर रही हूं मैं? स्टैंड अप द पिंक सूट, प्लीज स्टैंड अप. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? यस, बढ़िया, बैठ जा. लग तो नहीं रहा था कि यू आर लिसनिंग, बट यू वर लिसनिंग. ठीक है, सो कैटेकोलामीन्स के इफेक्ट को ये इंक्रीज करेगा. तो क्या काम है उनका? ब्लड प्रेशर को एनहांस करना, बढ़ाना. तो प्रेशर इफेक्ट जो है वो रहेगा. डिक्रीजेस द वेसो, बस ये लास्ट है, लिसन. डिक्रीजेस द वेसो डायलेटेड प्रोस्टाग्लैंडिंस. ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाना है, कैपिलरीज आर्टरीज उनकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है. वेसो डायलिटेशन नहीं होनी देनी है, तो डायलिटेशन नहीं होगी और जो जो चीजें कॉन्ट्रैक्शन करेंगी वो होने देगी. ठीक है, मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम बाय डिक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑल्सो ऑफ द वेस्कुलर एंडोथेलियम. किडनी GFR को इंक्रीज करेगा, वाटर लोड को एक्सप्रीट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, स्ट्रेस अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे, वैसे बथेरी स्ट्रेस है. क्या टाइम हो रहा है? हाँ बस ठीक है.